जुलाई 30 जुलाई को कबीर आश्रम पर संत कबीर एवं गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित करने के मामले में कोली समाज और सरदल संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था। मशाल जुलूस, ज्ञापन, पुतला दहन और क्रमिक भूख हड़ताल के माध्यम से प्रशासन से अपनी मांगों कबीर आश्रम पर संत कबीर और गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगवाई जाए, कबीर आश्रम पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, पूर्व में अन्य स्थान से लगाई गई भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का भुगतान एवं कबीर आश्रम की भूमि को राजस्व कबीर आश्रम के नाम से इंद्राज किया जाए, इन सभी मांगों को लेकर जारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे कोली समाज और सरदल संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा 18 अगस्त को एसडीएम कार्यालय के घेराव और जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम निश्चित था, जिसमें लगभग 10:30 बजे सबलगढ़ एसडीएम वीरेंद्र कटारे और एसडीओपी वीपी तिवारी तथा प्रभारी थाना प्रभारी शशि कुमार धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं सबलगढ़ के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद बंसल के नाती कांग्रेस नेता रवि बंसल मौजूद थे। रवि बंसल के द्वारा कबीर आश्रम पर दोनों मूर्तियों को स्वयं के व्यय पर लगवाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर एसडीएम वीरेंद्र कटारे द्वारा धरना स्थल पर मौजूद लोगों को कहा कि महापुरुष भगवान सभी के होते हैं, रवि बंसल मूर्तियां लगवाना चाहते हैं, उनका स्वागत है, शेष मांगों पर प्रशासन विचार करेगा, मूर्ति खंडित करने वाले व्यक्ति को भी जल्द पकड़ा जाएगा, पुलिस इसको लेकर अलर्ट, हम ये चाहते हैं कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए एवं निर्दोष को सजा ना मिले। इसके बाद धरना स्थल पर कोली समाज के जिलाध्यक्ष द्वारा रवि बंसल का स्वागत किया गया और प्रशासन द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को माला पहनाकर जूस पिलाकर धरना समाप्त करने को कहा गया, लेकिन सरदल संघर्ष समिति के लोग धरना समाप्त करने तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि रवि बंसल जी मूर्ति लगवाने आगे आए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन ने क्या किया, अभी तक केवल आश्वासन देते रहे, उन्होंने धरना समाप्त नहीं किया, पुनः धरने पर बैठ गए। तत्पश्चात सबलगढ़ में बीएलओ बैठक से लौटकर आए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने धरना स्थल पहुंचकर लोगों से बात की, उनका ज्ञापन लिया, जिस पर कलेक्टर अस्थाना द्वारा उन्हें 2 दिन का समय दिया और कहा कि 2 दिन में आपकी पूर्ति मूर्ति लग जाएगी, शेष मांगों की पूर्ति सबलगढ़ एसडीएम को निर्देशित किया, जिस पर कोली समाज और सरदल संघर्ष समिति द्वारा 23 अगस्त तक धरना स्थगित किया गया। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।